यूपी के अलीगढ़ में हिंदू महासभा के सदस्यों ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुतले को गोली मारकर दहन किया था, जिसके बाद से ही लगातार कांग्रेस पूरे देश में इसका विरोध कर रही है और हिंदू महासभा के सदस्यों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इसी क्रम में देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में गांधी पार्क में इकट्ठा होकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रूप से जो है संरक्षण देने का काम करते हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं उनकी मिली भगत से ही ये सब कुछ हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अगर अपमान किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम कांग्रेस के लोग और आम जन जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, अब नरेंद्र मोदी आए या अमित शाह आए, उनको आने का अधिकार है, वो आ रहे हैं तो अपने क्या नाम है, ये तुम्हारी कमी है, भाजपा के लोग हैं उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। आज मोदी जी को उत्तराखंड की याद आ रही है, 2017 में जो वादे विधानसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। किसानों के ऋण माफी की बात किसने कही थी? देश के प्रधानमंत्री ने कही थी। किसानों का ऋण नहीं मिल पाया है, ब्याज रहित ऋण किसानों को नहीं मिला है, गन्ना किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ है। तो ये ऐसी सरकार है, ये ऐसे लोग हैं कि वोट हासिल करने के लिए कुछ भी जो है जुमला फेंक सकते हैं। और अभी इन्होंने 2014 में जो जुमलेबाजी की थी उसमें से एक भी कहा जो है वादा पूरा नहीं किया, और जो 2019 के चुनाव आ रहे हैं उसके लिए जो है आप देख लीजिए बजट में जुमलेबाजी करने का काम किया। लेकिन आम जन जो है भाजपा के चेहरे को और चरित्र को पहचान चुके हैं, इसलिए अब चाहे अमित शाह जी आए या नरेंद्र मोदी जी आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तराखंड के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया। आपको बता दें कि अलीगढ़ में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारकर दहन किया था, तभी से कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।